रिसेंटली 301 सौ क्वेश्चन है और इससे पहले हम 300 सौ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं आपको अगर लिंक ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम करना ठीक है।, है तो चलिए शुरू करते और भी चीज़ें जो भी देखना हो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आपको लिंक ना मिले तो सिंपल ये कर लेना मैं आपको लिंक बता देता हूँ लिंक है एन सी ई आर टी कैप्स में है उसके बाद अंडर स्कोर है जेड ओ एन ई उसके बाद अंडर स्कोर है जी ओ वी टी एन सी ई आर टी अंडर स्कोर जोन अंडर स्कोर जी ओ वी टी एन सी ई आर टी कैपिटल में है चलिए शुरू करते हैं रिसेंटली एलन मस्क हैज अनाउंस टू बाई ट्विटर फॉर हाउ मैनी बिलियन डॉलर कितने में और डील कैंसिल भी हो गई है फोर्टी फोर विलियन में था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है छब्बीस अप्रैल को नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इन सिटी यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैज रिसेंटली इनागोरेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये बेंगलुरु में हुआ उसके अलावा रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन जेलेंसकी हैज डिमांडेड द टैग ऑफ स्टेट स्पॉन्सर स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरिज्म फ्रॉम फॉर रसिया फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ हुइच कंट्री जेलेंसकी ने किस के प्रेसिडेंट किस देश के प्रेसिडेंट को बोला कि आप एक टैग रसिया को दे दीजिए अमेरिका के प्रेसिडेंट को बोला नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर मिलिट्री एक्सपेंडिचर में इंडिया की रैंक है थर्ड पहला है अमेरिका सेकेंड है चाइना थर्ड है इंडिया इंडिया इम्पोर्टर कितने नंबर का है सेकंड नंबर है इंपोर्टर पहला है सऊदी अरेबिया इंडिया अब एक्सपोर्ट भी करता है कुछ कुछ तो आप अगर एक्सपेंडिचर में जोड़ोगे तो बाद में वो एक्सपोर्ट भी तो करते हैं उससे जैसे आप अमेरिका को बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर देखते हो लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी तो करते हैं रिसेंटली द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ हुई कंट्री मवाई की वाकी उनकी मृत्यु हो गई नब्बे साल के उम्र में ये थे केनिया के मवाई कीवाकी थ्री हंड्रेड सेवन हुन अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ नीति आयोग नए वाइस चेयरमैन ये सुमन बेरी न्यू चेयरमैन है सुमन बेरी देखो वाइस चेयरमैन नीति आयोग के चेयरमैन तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। वाइस चेयरमैन और सीईओ ध्यान रखना वर्ल्ड बुक डे पूरी दुनिया में किस दिन मनाया जाता है ट्वेंटी थर्ड अप्रैल को रिसेंटली हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज ए न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू पी एम मोदी पी एम मोदी के नए साइंटिफिक एडवाइज़र किन को चुना गया अजय सूद को रिसेंटली द फेमस राइटर ऑफ विच लैंग्वेज बीना पानी मोहंती बीना पानी मोहंती जी की मृत्यु हो गई ये किस लैंग्वेज के राइटर थे किस लैंग्वेज के राइटर थे ये थे उड़िया के बीना पानी मोहंती जी के नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू हैव लाइब्रेरी इन एवरी विलेज है जामतारा है और ये पूर्णिया है बिहार का जिसके हर पंचायत में है और नेक्स्ट ऑन हिच डेट वर्ल्ड मलेरिया डे वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पीपल्स डे नेशनल पीपल्स डे ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है यह किया जाता है इक्कीस अप्रैल को रिसेंटली द प्लेयर ऑफ हुइज टीम कैरन प्लाट वेस्ट इंडीज के हैं हैज बिकम द न्यू कंट्री हेड ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी हु हैज बिकम द न्यू कंट्री हेड ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी विप्रो इन इंडिया कंट्री हेड चुना गया है कंट्री हेड ये किसको चुना गया है ये चुना गया है सत्य स्वरण को नेक्स्ट क्वेश्चन है 316। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एस्टेब्लिश एल रूट सर्वर स्टेट लेवल के लिए राजस्थान ने वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को डिक्लेयर किया जाता है न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली चीफ सेक्रेटरी नए न्यू दिल्ली के किनको अपॉइंट किया गया नरेश कुमार सक्सेना जी को अपॉइंट किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर रिसेंटली इन हुई स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि ओ के द्वारा सेटअप किया जा रहा है कहाँ पे आसाम में ये याद रखना प्योर ग्रीन हाइड्रोजन है ग्रीन हाइड्रोजन है प्योर ग्रीन हाइड्रोजन और आई के साथ मिलके डिजिटल इंश्योरेंस का एम और सी डिजिटल इंश्योरेंस का एम और सी किनको चुना गया है जसलीन कोहली को न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन इंडियन पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं बीमल कोठारी वर्ल्ड लीवर डे वर्ल्ड लीवर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है नाइनटीन्थ अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे प्रफुल कर हैजिन पास्ट अवे एट द एज ऑफ एटी थ्री हु वाज ऑफ मतलब ये क्या थे रिसेंटली जो प्रफुल कर है इनकी जो है मृत्यु हो गई ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे ये लेडिसिस्ट थे रिसेंटली हैज अपॉइंटेड एज ए नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये मनोज पांडे जी को अपॉइंट किया गया है तीन सौ चौबीस का तीन सौ पच्चीस नंबर क्वेश्चन है रेडियो अक्ष एक ब्लाइंड पीपल के लिए रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है ये नागपुर का है नागपुर तीन सौ छब्बीस नंबर क्वेश्चन सेवेंटी फिफ्थ फाउंडेशन डे ऑन पंद्रह अप्रैल 2022, 15 पंद्रह अप्रैल 2022 को सेवेंटी फिफ्थ फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा किस स्टेट का सेलिब्रेट डे है तीन सौ छब्बीस नंबर क्वेश्चन का यह है हिमाचल प्रदेश ठीक है तीन सौ नंबर क्वेश्चन है वर्ल्ड आर्ट डे वर्ल्ड आर्ट डे ये सेलिब्रेट किया जाता है पंद्रह अप्रैल को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 को होस्ट किया होस्ट करेगा 2023 का होस्ट कौन करेगा ये बताना है इंडिया स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप रिसेंटली हु हैज़ वोन द ऑनर ऑफ़ ई वाई इंटरप्रेनर ऑफ द ईयर अवार्ड ई वाई इंटरप्रेनर ऑफ द अवॉर्ड दो हज़ार कौन बने हैं इसके ऑनर फाल्गुनी नायर ऑन which डेट वर्ल्ड Heritage डे वर्ल्ड Heritage डे सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है 18 अप्रैल को 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है ये बात याद रखिएगा वर्ल्ड Hemophilia डे वर्ल्ड Hemophilia डे मनाया जाता है 11 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नमेंट has रिसेंटली announced टू सेलिब्रेट हुइच डेट एवर एवरी ईयर एज इक्वालिटी डे इक्वालिटी डे किस दिन को मनाया जाएगा 16 अप्रैल को सॉरी uh, 14 अप्रैल को वी आर अम्बेडकर जी के बर्थ एनिवर्सरी वर्ल्ड वॉयस डे वर्ल्ड वॉयस डे किस दिन मनाया जाएगा वर्ल्ड वॉयस डे ये है 16 अप्रैल अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को रिसेंटली हुईच मेल प्लेयर हैज रिसिव द ऑनर ऑफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये मार्च 2021 का अवार्ड किसने जीता ये देखो मंथली वाइज तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे बाबर आजम हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के न्यू चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी साहब रिसेंटली शहबाज शरीफ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं तेईसवें प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के अभी जो यूके की प्राइम मिनिस्टर बनी है ये है छप्पनवीं याद रखिएगा हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू बी रिटायर आउट इन आई पी एल क्रिकेट आई पी एल क्रिकेट में रिटायर आउट होने वाले पहले प्लेयर कौन बने हैं रविचंद्र अश्विन हुई ड्राइवर हैज रिसेंटली वोन द एफ वन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स दो हजार एक बाईस एफ वन ग्रैंड पिक्स दो हज़ार बाईस ये जीते हैं कार्लोस लेकरेक रिसेंटली कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड एनिमल ये एनिमलोडोर ने किया है। इज़ द नेशनल सेफ मदरहुड डे ग्यारह अप्रैल को मनाया जाता है रिसेंटली हु वॉज ऑनर विद द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये नरेंद्र मोदी जी को मिला उसके अलावा वर्ल्ड हेम्योपैथी डे ये किस दिन मनाया जाता है दस अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है सात अप्रैल को होम्योपैथी दस हेल्थ सात बेस्ट हु हैज़ वन द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड इन सिक्सटी फोर्थ ग्रेमी अवार्ड बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड ये ग्रेमी अवार्ड जो होता है उसमें दिया गया ये थे ओलिविया रोड्रिगो व्हिच टेनिस प्लेयर हैज वोन द मैंस सिंगल टाइटल इन मियामी ओपन 2022 मियामी ओपन 2022 में किन्हों कौन टॉप किया जीता कार्लोस 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 यही है जिन्होंने अभी यूएस ओपन जीता है दो तीन दिन पहले हुई क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड एज ए न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ये इंपॉर्टेंट है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन विकास कुमार हु हैज गिवेन द सरस्वती सम्मान देखो 2020 है किसका साथ में मिला तो 2021 का किसको मिला ये आपसे पूछ रहा है ये है राम दरस मिश्रा राम दरस मिश्रा तीन सौ उनचास का हाँ, ये क्या है विक्टर ऑर्बन ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर किस देश के हंगरी के चौथे समय में ठीक है और यूरोपियन पार्लियामेंट ने अभी बोला है कि हंगरी में जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है ठीक है तो ये भी याद रख सकते हैं कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने किसको बोला है तो 350 का हो गया सी हु हैज द वेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड इन 2022 हजार बाइस वेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड इन 2022 कौन सा फिल्म जीता है ड्राइवर ड्राइव माई कार रिसेंटली प्रमोद सावंत ये चीफ मिनिस्टर बने हैं सेकेंड टाइम किस स्टेट के बने हैं गोवा के हुइच इंडियन प्लेयर हैज़ रिसेंटली वो दो वुमेन सिंगल टाइटल इन स्विस ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप ध्यान देना वुमेन्स सिंगल जीती है स्विस ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप में कौन सी वुमेन है वी वी सिंधु रिसेंटली डे हैज़ बिन अनाउंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल डॉल्फिन डे ये पाँच अक्टूबर को मनाया जाता है हु हैज बिन अपॉइंटेड एज ए न्यू फॉरेन सेक्रेटरी नया फॉरन सेक्रेटरी विजय मोहन क्वाट्रा ठीक है नए ना? फॉरेन सेक्रेटरी किनको अपॉइंट किया जा गया है वो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एन ए बी एच न्यू प्रेसिडेंट चुने गए एन ए बी एच को महेश वर्मा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल किनको चुना गया है यह है एस राजू डॉक्टर एस राजू वीवीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड वीवीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड ये कौन जीती है यह जीती है मीराबाई चानू बर्थडे ऑफ आनंदी गोपाल जोशी इक्कीस मई को बनाया जाता है आनंदी गोपाल जोशी ये कौन थी आनंदी गोपाल जोशी ये आपको बताना है ये थी इंडियाज फर्स्ट वुमेन डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट वुमेन डॉक्टर राजस्थान डे किस दिन मनाया जाता है तीस मार्च इंडियन ओरिजिन पर्सन है जो रिसेंटली बने हैं नए सीईओ अमेरिका की एक कुरियर सर्विस कंपनी है फेड एक्स फेड एक्स के सी बने हैं ये कौन है ये है राज सुब्रमण्यम वेन वॉज फाउंडेशन डे ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे किस दिन मनाया जाता है ये मनाया जाता है फर्स्ट अप्रैल को द फाउंडेशन डे ऑफ विच स्टेट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल उड़ीसा का मनाया जाता है रिसेंटली बिकम द हाइस्ट विकेट टीकर इन आई पी एल डॉन ब्रैबर बने हैं Uh, ये वेस्ट इंडीज़ के हैं रिसेंटली द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हुइच स्टेट भीम बहादुर गुरुंग भीम बहादुर गुरुंग ये किस स्टेट के थे ये थे सिक्किम के इन हुइच स्टेट इंडियाज फर्स्ट स्टील रोल्ड ये हम सबको पता है स्टील रोड कहाँ पर बना ये सूरत में बना गुजरात मैडे लाइन एल राइट ये पहली वुमेन फॉरनर मिनिस्टर बनी किस कंट्री की पहली वुमेन फॉरन मिनिस्टर थी जिनका अभी डेथ हो गया है ये अमेरिका की थी पहली वुमेन फॉरन मिनिस्टर फॉरन सेक्रेटरी बोलते हैं नेशनल वाटर अवार्ड्स में थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड में स्टेट की कैटेगरी में बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको मिला उत्तर प्रदेश को विथ हुई ऑर्गेनाइजेशन द बुक इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नीति आयोग ने बुक रिलीज किया है नीति आयोग और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की बॉडी है उसके साथ उसके अलावे नेक्स्ट है स्टेट्स क्विंग जारी या लिविंग रूट ब्रिज इसको इंक्लूड किया है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को में ये किस स्टेट का है यह है मेघालय का लिविंग ब्रिज लिविंग रूट ब्रिज उसको बोलते हैं वर्ल्ड पीस सेंटर ये गुरुग्राम में स्टेटअप किया गया हम सबको पता है इन हुई ऑफ द डिवीजन इंडियन रेलवे हैज कमीशन द फर्स्ट गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल ये आसनसोल इन हुई इंडियन सिटी द फर्स्ट रोड प्रोजेक्ट मेड ऑफ वेस्ट स्टील ये सूरत में हुआ हुईच स्टेट हैजॉप द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स दो हज़ार इक्कीस एक्सपोर्ट प्रीपेयरनेस इंडेक्स दो हज़ार इक्कीस गुजरात हुई इंडियन स्टेट इन इज ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग फॉर बेटर सॉयल हेल्थ कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग फॉर बेटर सॉयल हेल्थ यह है केरला कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग हम पता है हुई इंस्टीट्यूशन हैज इशू द वर्ल्ड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड वाइल्ड लाइफ बॉन्ड ये किसने किया वर्ल्ड बैंक ने प्रजक्ता मंडल ये अपॉइंट की गया है इंट्रीम एमडी और सीईओ किस बैंक की ये है सीएसबी बैंक ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन ये लॉन्च किया गया किस uh, बैंक द्वारा प्रोवाइड फुल्ली ऑटोमेटिक ऑटो लोन्स एचडीएफसी बैंक व्हाट इज द टोटल लिमिट ऑफ यूपीआई लाइट बैलेंस फॉर ऑन डिलीवरी वॉल ऑन डिवाइस वॉलेट दो हजार हुई ऑफ दुच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज क्रॉप डायवर्सिफिकेशन यूनिट यह किसने किया है क्रॉप डायवर्सिफिकेशन यूनिट तेलंगाना ने ठीक है न उसके अलावा विथ हुई नॉर्थ ईस्ट कंट्री मतलब नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्री हैड जर्मनी साइंड एंड एनर्जी पैक्ट टू रिड्यूस अ डिपेंडेंट ऑन रसिया किसने किया है कतर ने साइन किया जर्मनी के साथ नेम द कार्गो शिप डैट हैज बिकम द लॉन्गेस्ट एवर टू सेल ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर ये कौन है आ, ये एक नाम है मैं राम प्रसाद बिशमिल एम वी राम प्रसाद बिस्मिल नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल एस जी के सी ये किस कंट्री के द्वारा किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है ये है पावर ग्रिड के द्वारा रिस्ट एश्योर्ड इज द ऑटोग्राफी ऑफ विच रिस्ट एश्योर्ड ये किस फॉर्मर क्रिकेटर का ये बायोग्राफी है ये है जी आर विश्वनाथ का हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट टूरिसी पद्म भूषण अवार्ड कौन से पैरा एथलीट है जिनको पद्म पद्म भूषण अवार्ड मिला देवेंद्र झाझरिया तीन सौ छियासी नंबर क्वेश्चन है हु वॉज अनाउंस्ड एज द ट्वेंटी थर्ड लेटेस्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर ये इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी थर्ड फीमेल ग्रैंड मास्टर क्योंकि अभी मेल में हो चुके हैं छिहत्तर फीमेल में अभी तेईसवा ये लेटेस्ट है ये कौन बनी है आ, ये है प्रियंका नुक्टी ठीक है तीन सौ सतासी नंबर क्वेश्चन है इन हुई कंट्री द महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल वॉज इनागरेटेड बाई एम्बेसी ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ इंडिया आजादी का अमृत महोत्सव फेस्टिवल मैडेगास्कर में किया महात्मा गांधी ग्रीन ट्राएंगल हुई कंट्री वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आम डूंग ये एक्सपोर्टर कौन बना है सिपरी के हिसाब से अमेरिका रिसेंटली हुई मिनिस्ट्री है ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया प्रोग्राम झरोखा दो मिनिस्ट्री है टेक्सटाइल और कल्चर तो डी ऑप्शन करेक्ट है कंट्री uh, का पहला इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क ये तमिलनाडु में फर्नीचर पार्क तमिलनाडु में है इन हुई सिटी द कंट्रीज फर्स्ट ड्रोन स्कूल ग्वालियर हम सबको पता है इन हुई स्टेट इन वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा स्लीपिंग पोस्टर में बिहार में इन हुइच कंट्री विल द फिफ्टी फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स जो कि दो हज़ार बाईस में होने वाला है किस देश में वियतनाम में होने वाला है द इंडियन आर्मी वर्जन ऑफ मीडियम रेंज सर्फेस टू सर्फेस टू एयर मिसाइल हैज़ बीन डेवलप बाई डी आर डी ओ इन पार्टनरशिप विथ हुइच कंट्री ये मीडियम रेंज है एम आर एस ए एम ये किस कंट्री के हेल्प के साथ हमने बनाया इसराइल के साथ

थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस हु इज रिटर्न द चिल्ड्रन बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय द लिटिल बुक ऑफ जॉय इसके राइटर कौन है? दो लोग हैं एक है तूहू और दूसरा है तेंजिंग हुइ कंट्री इज अनाउंस टू ऑनर द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन जेलेंसकी टू टॉप स्टेट ऑनर किस स्टेट ने बोला ऐसा हम करेंगे चेज रिपब्लिक ने हुई रेलवे जोन हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल गलती शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल ये ईस्टर्न रेलवे जोन ने किया है गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल ईस्टर्न जो ने हुज रिसेंटली वोन इट्स फर्स्ट इंडिया सुपर लीग टाइटल हु हैज बिकम वोन इट्स फर्स्ट इंडिया इंडियन सुपर लीग टाइटल पहली बार जीता ये हैदराबाद एफ सी हुज बिकम द न्यू एम डी एन सी ईफ मारुति सुजुकी इंडिया ये बने हैं हिसासी टक्यूची ठीक है ना प्राइवेट कंपनी आप छोड़ सकते हो नेवा को इंप्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा है हम लोग को पता है नागालैंड योगी आदित्यनाथ हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी किस कितने बार हो गए ये सेकंड टाइप सेकंड कंजिक्यूटिव टर्म्स से में ये तो देख ही नहीं रहा है क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन में बुक ही नहीं है ठीक नहीं, ठीक है हु हैज बिकम इलेक्टेड एज ए स्पीकर ऑफ पीपल लेजिस्लेटिव असेंबली ये क्वेश्चन सब छोड़ दो ये दिख नहीं रहा है चलिए चार सौ सत्रह नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कुछ छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं इन द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई क्यू एयर हो हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ये हम सबको पता है दिल्ली चार सौ सत्रह का सी हु हैज रिटन सोनी सोरावजी बायोग्राफी जिसका नाम है सोली सोरावजी सोली सौरापजी की बायोग्राफी सोली सोरावजी लाइफ एंड टाइम्स किन्होंने लिखा है ये बताना आपको ये लिखा है अभिनव चंद्रचूड़ ने अभिनव चंद्रचूड़ ने स्टेट गवर्नमेंट बिल कंस्टिट्यूट द स्टेट ओबीसी कमीशन स्टेट ओबीसी कमीशन किसने बनाया आसाम ने वर्ल्ड टीर्बोकोलोजिस्ट डे वर्ल्ड टीबी डे ये मनाया जाता है चौबीस मार्च को तुषार सिंह धामी बने हैं चीफ मिनिस्टर दूसरी बार सॉरी पुष्कर सिंह धामी सो so, सॉरी उत्तराखंड के हैं हुजिकम द ब्रांडिस्टर ऑफ ब्रांड एम्बेस्डर किन को बनाया गया है ये है जॉर्ज रसेल वेयर हैज यह एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्टेड ट्वेंटी ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये स्टार्ट हुआ कहाँ पे तिरुवनंतपुरम में द फाउंडेशन डे ऑफ स्टेट इज सेलिब्रेटेड एवरी बाईस मार्च को किस डे का मनाया जाता है बिहार का ऋतु खानदून ये बनी है पहली वुमेन स्पीकर किस स्टेट की यह उत्तराखंड की बनी है पर कैपिटा इनकम में ये कौन स्टेट टॉप किया सिक्किम पर कैपिटा इनकम में हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बी ए आर सी इंडिया के न्यूज शशि सिन्हा रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज सेटअप ए टारगेट टू विल हाउ मेनी न्यू एयरपोर्ट्स बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ये कितने नए एयरपोर्ट बनाने वाले हैं यह दो सौ बीस इंटरनेशनल हैप्पीनेस डिवर्स ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है बीस मार्च को मिस वर्ल्ड दो हजार इक्कीस का क्राउन किन्होंने हासिल किया है ये किया है मिस वर्ल्ड दो हजार इक्कीस का कैरोलिना विलावस का बेस्ट फिल्म अवार्ड इन वाफटा अवार्ड वाफटा अवार्ड दो हजार बाइस में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किन को मिला है ये मिला द पावर ऑफ अ डॉग वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है बाईस मार्च को देखो आप बहुत देखोगे जो भी मेजर मेजर दिन है एनवायरमेंट सेलेक्टेड बाईस तारीख को है ठीक है ना जैसे बायोडावर्सिटी बाईस मई को है उस तरह बाईस अप्रैल को है इसी तरह ये है वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को वीरेन्द्र सिंह हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हुई स्टेट फॉर द सेकेंड टाइम ये कहा के बने हैं मणिपुर के रिसेंटली हु हैज हुआ सी इंडियन स्पोर्ट्स मैन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड ये किनको बनाया गया है मीराबाई चानू को सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है रिसेंटली हु हैज द सिंगल टाइटल इन ऑल इंग्लैंड बेडमिंटन दो हजार बाईस चैंपियनशिप ये कौन जीता है उन्हें विक्टर कई बार ये लक्ष्य सेन को भी हराया है ठीक है ना वर्ल्ड पोएट्री डे ये 21 मार्च को मनाया जाता है हुई इंडियन कंपनी जो बनी है पहली इंडियन कंपनी जो स्पॉन्सर बनी है फीफा वर्ल्ड कप में ये है बाईजू रिसेंटली पुष्कर सिंह धामी हैज टेकन ओथ ऑफ चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड ये कितनी कैवी बार बन रहे टेकन ओथ मतलब ये बोल रहे हैं कि कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर है ये अभी ग्यारहवें नंबर के फोर थर्टी नाइन हुई इंडियन ओरिजिन डॉक्टर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ व्हाइट हाउस कोऑर्डिनेटर फॉर द कोविड नाइनटीन रिस्पॉन्स व्हाइट हाउस कोऑर्डिनेटर बने कौन ये बने आशीष झा हुजीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आई एल ओ नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आई एल ओ गैलवेन होंगबो हु हैज़ टॉप द एक्सपोर्ट प्रीपेयरनेस इंडेक्स एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स नीति आयोग ने प्रिपेयर कर दी है इसमें टॉप कौन किया है टॉप किया है गुजरात हु अपॉइंटेड एज ए न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स अकेडमी इंडियन एयरफोर्स अकेडमी के न्यू कमांडेंट कौन है ये बने हैं बी चंद्रशेखर साहब इंडिया की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट दो हज़ार बाईस निकलती है उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है एक सौ छत्तीस हैप्पीनेस में बहुत नीचे है एक सौ छत्तीस नेशनल इम्यूनाइजेशन डे किस दिन मनाया जाता है सोलह मार्च को इंडिया का पहला इंडियाज फर्स्ट होली वुमेन ओन्ड एफएलओ इंडस्ट्री पार्क ये कहाँ पे बनाया गया है ये हैदराबाद में हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी हंगरी की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है कैथलीन नोवाक कैथलीन नोवाक हुई स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस टू गिव सुषमा स्वराज पुरस्कार टू वुमेन ये हरियाणा ने किया हु हैज बिकम अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी एन ई एन ई एन एफ आर ए इसके नए चेयरमैन अपॉइंट किए हैं अजय भूषण पांडे नए स्पोर्ट्स पॉलिसी कौन बनाया गुजरात हुई स्टेट हैज स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा ये बिहार में है स्लीपिंग पोज में रिसेंटली हुई कंट्रीज गवर्नमेंट हैज गिवेन स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड टू फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड किन्ों ने दिया मालदीव्स ने दिया रीसेंटली हुई मेल प्लेयर हैज बिन गिवेन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फरवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किन मिला श्रेय सही है. Who has been appointed as the advisor of defence ministry के advisor ये बिनोद जी खांदरे बिनोद जी खांदरे Who has recently won the governor of the year award in the central banking awards governor of the year award किसको मिला central banking award 2022 में ये थे मारिया मार्केल को मारिया मार्केल को ठीक है ना governor of the year award इंट मिलिट्री एक्सरसाइज लैमीती ये किसके साथ होता है ये है सेचर्स के साथ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे चौदह मार्च को मनाया जाता है रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर फास्टेस्ट फिफ्टीन टेस्ट क्रिकेट ये ऋषभ पंत भगवंत मान ए सत्रहवें चीफ मिनिस्टर बने हैं पंजाब के न्यू चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर ओ के नए चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत रथ यून सुक योल ये बने हैं नए प्रे, नए प्रेसिडेंट किस देश के ये है साउथ कोरिया के बने हैं टेक कंपनी है सैमसंग ये पहला वुमेन ऑपरेटेड मोबाइल स्टोर किस सिटी में खोल रही है यह है अहमदाबाद में हु हैज बिकम अपॉइंटेड एज ए न्यू सी ई ओ बाई कोलगेट पाल्मो लाइफ पाल्मो लिव ये किनको नया सी ई अपना चुन रहे हैं यह है प्रभा नरसिम्हन ठीक फोर सिक्सटी थ्री का क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथॉरिटी आई डी आर ए आई देवाशीष पांडा देवाशीष पांडा इनको चुना गया है फोर सिक्सटी फोर रिसेंटली हुई स्टेट द फर्स्ट टू यूज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स कौन सा स्टेट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स कर रहा है तेलंगाना द गवर्नमेंट ऑफ व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च कौशल्या मातृत्व योजना कौशल्य मातृत्व योजना फॉर डॉटर्स ये कौन कर रहा है छत्तीसगढ़ कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ रफीक तरार ये किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनकी मृत्यु हो गई है अभी 466 नंबर क्वेश्चन है ये ये थे अफगानिस्तान के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है सेन वॉन ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं और क्रिकेट हम सबको पता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेलिब्रेट किया गया ये किया गया बाईस चौबीस मार्च को बिहार दिवस के दो दिन बाद ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स क्वार्टर फोर दो हजार इक्कीस रिलीज बाई नाइट फ्रैंक रिसेंटली ठीक है ना ये ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं टर्की टॉप किया है फोर सेवेंटी ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो एक्सरसाइज दस्तलिक ये किसके साथ हो रहा है एक्सरसाइज दस्तलिक ये तुर्क उज्बेकिस्तान के साथ हुआ ठीक है ना एस की मीटिंग अभी इस साल उज्बेकिस्तान में हुई अगले साल इंडिया में होगी हु हैज़ रिसेंटली वोन द थर्टीनथ ग्रीन स्टोम फोटोग्राफी अवार्ड ग्रीन स्टोम फोटोग्राफी अवार्ड ये मोहम्मद रजा मसूमी रिसेंटली हुई स्टेट तरसिंग पेटाई नागेश्वरम इसको जीआई टैग मिला है तरसिंग पेटाई नागेश्वरम ये है तमिलनाडु का रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ हुइच स्टेट हैज़ अनाउंस टू इम्प्लीमेंट कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी ये है राजस्थान का हुईच कंट्री फॉर्मर क्रिकेटर रॉस मार रॉड मार्स इनकी मृत्यु हो गई चौहत्तर साल में रॉड मार्स ये ऑस्ट्रेलिया के हैं ऑन हुइ डेट द रेजिंग डे ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रिय सिक्योरिटी फोर्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ये रेजिंग डे मनाता है हर साल ये कब दस मार्च को ऑन हुइच डेट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है थर्ड मार्च को हु हैज रिसेंटली बिन अपॉइंटेड एज न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नए पुलिस कमिश्नर किनको बनाया गया है यह संजय पांडे रिसेंटली हु हैज बिन अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल इसके चेयरमैन हैं जस्टिस डी एन पटेल इंटरनेशनल वुमेंस डे आठ मार्च अर्थ आवर 2021 हजार अर्थ आवर 2021 किस दिन सेलिब्रेट किया गया इस साल अर्थ आवर दो हज़ार इक्कीस ये छब्बीस मार्च को एजुकेशन के फील्ड में किसके साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया एजुकेशन के फील्ड में मालदीप्स के साथ और ये नए सी एफ ओ बने हैं एल आई सी के कौन बने हैं ये है सुनील अग्रवाल वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ये है एक मार्च को हाउ मेनी वुमेन हैज बिन ऑनर्ड विद नारी शक्ति पुरस्कार 2020 और 21 को साथ मिला नारी शक्ति पुरस्कार कितनी टोटल वुमेन है उनतीस अल एल्कोहल म्यूजियम गोवा में हम सब पता है और एक फेनी करके वहाँ पे एल्कोहल है पाँच साल पुराना वो उसको मतलब वो एट्रैक्शन का सोर्स है फोर एटी सिक्स है डिस टी वी का सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेट किया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है चौबीस फरवरी के अकॉर्डिंग टू रिसेंट अनाउंसमेंट इन हुइज कंट्री द फर्स्ट आई इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है यू में इंडिया के बाहर पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन अ सिल्वर मेडल इन पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले uh, कौन बने हैं इंडियन प्लेयर ये आपको बताना है ये है पूजा जतवान। रिसेंटली ए AXA Life लाइफ इंश्योरेंस AXA लाइफ इंश्योरेंस के नए कौन है ब्रांड uh, एम्बेडर बने विद्या वालन the वुमेन क्रिकेटर टू प्ले द मोस्ट नंबर ऑफ ICC वर्ल्ड कप कौन बनी है ये हम सबको पता है मिथाली राज. Who has एज ए न्यू a new CEO ऑफ एयरलाइन कंपनी जिसका नाम है जेट एयरवेज ये कौन बने हैं संजीव कपूर यश राज फिल्म के नए सीईओ किनको अपॉइंट किया गया है अक्षय विधि को रिसेंटली हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू बी अवार्डेड एज बोल्च मैन मेडल ये दीपक धर को हेमानंद बिश्वास ये ये जिनकी अभी देहांत हुआ है ये किस देश के थे किस राज्य के थे उड़ीसा ई वेस्ट इको पार्क पहली बार बनाया जा रहा है कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है दिल्ली ने फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ सेबी ये किनको अपॉइंट किया जा रहा है माधवी पूरी बुच को ठीक है ना उसका फोर व्हिच एट ठीक हैजबिन लॉन्च रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रोमोट कल्चरल डायवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए किस में कौन से किन्होंने मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कौन सा स्कीम चलाया यानी कौन सा कैंपेन चलाया वो कैंपेन के रहा पूछा है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हुई प्लेयर हैज रिसेंटली वोन द मेन्स सिंगल टाइटल इन द मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट दो हज़ार बाईस मैक्सिको ओपन टेनिस दो हज़ार बाईस ये राफेल ने ज वन द लीडिंग एक्टर अवार्ड इन वाफ्टा अवार्ड लीडिंग एक्टर अवार्ड इन वाफ्टा अवार्ड किन्होंने जीता ये ने मतलब कई सारे हुए उसमें फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन ये किसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाया एक बार इसको आप ठीक से देखना पड़ेगा क्योंकि अभी जर्मनी ने भी चलाया है ठीक है ना जर्मनी ने भी किया है इट्स फर्स्ट तो जापान यहाँ पे ऑप्शन है लेकिन जर्मनी भी हाइड्रोजन पावर ट्रेन चला चुका है अभी इंडिया एंड हुई कंट्री साइंड है ब्लू इकॉनमी रोड मैप ब्लू इकॉनमी रोड मैप इंडिया और कौन कंट्री साथ में कर रहा है फाइव का फ्रांस ब्लू रोड मैप कह रहा है हुई कंट्री हैज रिसेंटली डिवाइडेड यूक्रेन को तीन पार्ट में किया रसिया ने उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ हुईच स्टेट है रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप फॉर फेरी सर्विस ये ब्रह्मपुत्रा रबर को क्रॉस करने के लिए कहाँ पे आसाम में हुज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप ये है के एन राघवन हुइच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट गोल्ड पावर कार्ड गोल्ड पावर कार्ड ये मेटाफोर ने लॉन्च किया हैज बिकम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट द एन बी ए रिकॉग्नीशन ये मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को रिसेंटली इंडियन प्लेयर वी आर वनीथा इज अनाउंस टू रिटायर फ्रॉम इच स्पोर्ट्स ये क्रिकेट से वी आर वनी हैज बिकम द मोस्ट मेडल इन द विंटर ओलंपिक्स में टॉप पे कौन था ये नॉर्वे था ये विंटर ओलंपिक्स की बात करें वेयर इज द इंडियन रेलवे बिल्डिंग द कंट्रीज फर्स्ट केबल रेलवे इंडियन रेलवे बिल्डिंग बिल्डिंग द कंट्रीज फर्स्ट केबल ब्रिज केबल रेल ब्रिज सबसे पहले इंडियन रेलवे कहां पे बना रही है यह बना रही है जम्मू एंड कश्मीर केबल ब्रिज वेयर डिड हिमाचल प्रदेश गेट्स इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क मंडी में पहली बायोडाइवर्सिटी पार्क उन्होंने पाया रिसेंटली हु हैज बिन पाकिस्तान का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हिलाले पाकिस्तान विलगेट्स को हुइ मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कैंपेन मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कैंपेन ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिसेंटली अडानी ग्रुप अप विथ बालाड पावर सिस्टम ऑफ हुइच कंट्री टू हाइड्रोजन फ्यूल सेल अडानी ने बालार्ड कंपनी के साथ किया है वो कौन से देश की कंपनी है यह है कनाडा की रिसेंटली रिसेंटली फिल्म हैज रीसेंटली रिसेलेक्टेड एज फिल्म ऑफ द ईयर एट द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 हजार बाईस ये किस को मिला पुष्पाधा राज को रिसेंटली हु हैज रीच द टॉप ऑफ आई सी सी टी ट्वेंटी टीम रैंकिंग कौन पहुंच गए टॉप पे इंडिया वेन इज इंडियाज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये है इक्कीस फेबरवरी टू द रिसेंट हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट बाई वट परसेंट हैज इंडिया बिलेनियर हाउस होल्ड हाउस होल्ड इंक्रीज इन दो हज़ार इक्कीस कितना इंक्रीज हुआ है ये बताना है आपको ये है लगभग ग्यारह प्रतिशत हुम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडिया यू पी आई पेमेंट सिस्टम को अडोप्ट करने वाला कौन है ये है नेपाल uh, एक बारी थ्री हंड्रेड एटीन का आंसर मैंने क्या बताया ग्यारह परसेंट ठीक है नेपाल ठीक है. है उसके बाद हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रली हम सबको पता है डाबर रिसेंटली हुईज फिल्म हैज़ रिसीव द बेस्ट फिल्म अवार्ड व दादा साहब फालके अवार्ड जो उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस को मिला ये था शेरशाह हुन द फेमस बुक ए हिस्ट्री ऑफ श्रीलंकन ए हिस्ट्री ऑफ श्रीलंकन किताब को लिखे उमा दास गुप्ता फ्रांस हैज़ अनाउंस मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम हुइ कंट्री आफ्टर नाइन ईयर ये है माली रिसेंटली हुज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस इन दिल्ली रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की है नाम ये टर्की ये नाम है आई थिंक सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन ठीक है ना रिसेंटली हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ये बने हैं जी अशोक कुमार रिसेंटली हैज लॉन्च द किसान मोबाइल ऐप किसान मोबाइल ऐप आई टी ने किया इन हुच कंट्री इंडिया विल सेटअप फर्स्ट आई आई टी अंडर द लेटेस्ट ट्रेड ये यू ए में कर रहे हैं पहली बार ठीक है फाइव ट्वेंटी नाइन का आंसर क्या होगा नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ डब्लू एच ओ हाउ मेनी अफ्रीकन कंट्री विल गिव द एम आर एन ए टेक्नोलॉजी किसके कितने कंट्री को दिया जाएगा छः कंट्री को रिसेंटली हुइ कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ ड्रोन टू फ्लाई इन द सिविलियन एयर स्पेस इजराइल हुइच मैंस प्लेयर हैज़ वन द आई सी सी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी का अवार्ड किसने जीता ये जीता कीगेस पीटर्स ने हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर ए ट्रिपल सेंचुरी इन द रणजी ट्रॉफी दो हजार बाईस में ट्रिपल सेंचुरी मारने वाला सकीबुल घनी फर्स्ट प्लेयर मतलब ये रणजी ट्रॉफी में ठीक है ये याद रखना बस इतना यू एस एंड हुई कंट्री विल ऑर्गेनाइज ज्वाइंट एक्सरसाइज कॉप साउथ ट्वेंटी ट्वेंटी टू कॉप साउथ ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये किसके साथ किया यू एस एन ये आपको बताना है यूएसए और कौन सा देश है ये है यूएसए और बांग्लादेश रिसेंटली रीसेंटली हुम चूज एन एज ए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला ये मिला संदीप बक्सी को हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आई सी ए आई आई सी ए आई फॉर द ईयर दो हज़ार बाईस तेईस के लिए प्रेसिडेंट किन को चुना गया देवाशीष मित्रा ऑन हुई बर्थडे नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल इंटरनेशनल वुमेंस डे तो आठ मार्च को किया जाता है तेरह फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है सरोजिनी नायडू जी के बर्थ एनिवर्सरी पर वेयर विल साउथ एशिया लार्जेस्ट बायो केमिकल प्लांट ये साउथ एशिया का लार्जेस्ट बायोकेमिकल प्लांट बिल्ड किया जा रहा है यह किया जा रहा है बिल्ड किया जा रहा है मध्य uh, प्रदेश में हु हैज बिकम द डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिसेंटली अपॉइंट किया गया है चनीरा पोनपा जी को फाइव थर्टी नाइन हैज स्टार्टेड द प्रोग्राम वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन सिडवी ने किया वर्ल्ड रेडियो डे किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है तेरह फरवरी को व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ई आई यू डेमोक्रेसी इंडेक्स दो हज़ार इक्कीस किस दिन मनाया जाता है कौन सा रैंकिंग है छियालीसवा हुई हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू ज्वाइन द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ये जम्मू एंड कश्मीर अकॉर्डिंग टू रिसेंट अनाउंसमेंट इन हुइच सिटी इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन ये सूरत में स्टेशन बिल्ड हो गया है हैज बिकम द मोस्ट कॉन्जेस्टेड सिटी इन इंडिया एज पर द रिसेंटली रिलीज टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स सबसे कॉन्जेस्टेड सिटी इंडिया का कौन सा है मुंबई हुइच इंडियन कंपनी है स्टाइप विद ताइवानीज कंपनी टू मैनुफैक्चर सेमी कंडक्टर ये वेदांता कर रही है ठीक है वेदांता करे बहुत गुजरात में उसके बाद इन हुइच कंट्री इज लास्का फीवर स्प्रेडिंग वेरी फास्ट लास्का फीवर बहुत तेजी से फैल रहा है किस कंट्री में ब्रिटेन में इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है पंद्रह फरवरी को व्हाट नेम हैज बीन अनाउंस बाय अहमदाबाद न्यू फ्रेंचाइजी आईपीएल का क्या नया नाम है गुजरात टाइटन्स हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए न्यू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के नए सेक्रेटरी किन को चुना गया संजय मल्होत्रा को वर्ल्ड पल्स डे ये किस दिन मनाया जाता है दस फेबरवरी के फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन किन को चुना गया नए चेयरमैन है प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन प्रदीप शाह अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ब्लूमबर्ग रिपोर्ट रिसेंटली हुज़ बिकम द richest person of India? ये है गौतम अडानी उसके बाद हुईच स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली लॉन्च द पी एस एल वी सी फिफ्टी टू सेटेलाइट पी एस एल वी ये सेटेलाइट किसने लॉन्च किया इसरो ने पी एस एल वी हमारा ही है ना हुइच फोर्टवर्ल्ड टीम पोलर सेटेलाइट लॉन्च हुई रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ ए एफ सी वुमेन्स एशियन कप एफ सी वुमन्स एशियन कप कौन जीता चाइना हुई कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव डी एन ए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन डी एन ए वैक्सीन ये इंडिया के पास रिसेंटली हुई हैज रिलीज द री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट री इमेजिंग हेल्थ केयर रिपोर्ट इन इंडिया ये नीति है इसमें कुछ ना किया

ये कहा पे केरला में ठीक है ना ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हैदराबाद तेलंगाना हैदराबाद वगैरह लगेगा या बेंगलुरु वगैरह लगेगा लेकिन ये है केरला में फाइव सिक्सटी हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इन सॉल्वेंसी एंड बैंक्रैप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया रवि मित्तल रीसेंटली हुज बिकम द डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी डी आर डी एल द फ्लैगशिप लैबोरेटरी ऑफ डी uh, आर ये है जी ए श्रीनिवास मूर्ति रिसेंटली हुई प्लेयर हैज रिसीव द आई सी सी स्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दो हज़ार इक्कीस का अवार्ड किसको जीत मिला ये है डेरेल डेरल मैचल न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रिसेंटली हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप इंडिया जीता रिसेंट स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किन का नाम है ध्यान देना स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किन का है फाइव सिक्सटी फोर के संत रामानुज आचार्य शंकराचार्य के स्टैचू ऑफ पीस उसके बाद हुईज कंट्री हैज रिसेंटली बायोकोटेड द विंटर ओलंपिक्स को किसने बायोकट किया इंडिया ने डिप्लोमेटिक वायकेट किया है आपको पता होना चाहिए फाइव सिक्सटी सिक्स का हुईज ऑफ इट्स राइजिंग डे इज सेलिब्रेटेड बाई इंडियन कोस्ट गार्ड एक फेबरी को मनाया जाता है ये कौन सा वा था ये था छियालीसवा वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड ये को मिला है किन को पी आर श्रीजेश को ये हमारे हॉकी के गोल कीपर हैं ठीक है रिसेंटली जियो मारा कैस्ट्रो है बने हैं पहले फीमेल प्रेसिडेंट जियो मारा कैस्ट्रो ये कहाँ के हंड्रोज के वर्ल्ड वेटलैंड डे जो 2022 को मनाया गया सेकेंड फरवरी का थीम क्या था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर हु वन द वमेन सिंगल ऑफ उड़ीसा ओपन के वुमेन सिंगल को उन्होंने जीता उनती हुडा ने ओमर आटा बंद्रियाल ये बनी है अट्ठाईसवें चीफ जस्टिस किस नेवरी कंट्री के ओमर ये बने हैं पाकिस्तान के अट्ठाईसवें चीफ जस्टिस ओमर याद रखना है हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नए डायरेक्टर जनरल बने हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ये कौन बने हैं ये बताना आप लोगों ये है मदन मोहन त्रिपाठी नए चीफ़ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस बने हैं डी के नए चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस ये है जी ए वी रेड्डी रिसेंट अनाउंसमेंट के हिसाब से हुइच स्टेट इंडिया फर्स्ट ज्योलॉजिकल पार्क फर्स्ट ज्योलॉजिकल पार्क कहाँ पे बिल्ड हुआ ये हुआ जबलपुर में ज्यूलॉजिकल पार्क फाइव सेवेंटी फाइव रिसेंटली हुई स्टेट हैज कनेक्टेड विथ गुड्स ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम मणिपुर पहली बार गुड्स ट्रेन वहाँ पर गया इन हुइच गल्फ कंट्री वर्ल्ड द फर्स्ट योगा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ रिसेंटली कहाँ पे सऊदी अरेबिया में हु हैज वोन द मेन्स सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेन सिंगल टाइटल कि उन्होंने जीता ये जीते राफेल नडाल ने, ने और इन्होंने फ्रेंच भी जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन में जीता है स्लेवाटी ने इसलेवाटी अब रिटायर हो गई है रिसेंटली इन हुई सिटी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट कंस्टिट्यूशनल पार्क फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क कहाँ पर सेटअप किया गया जयपुर में इक्कीसवा ग्रैंड स्लम टाइटल किन्होंने जीता जो पहली बार किसी ने इक्कीसवा जीता ये थे राफेल ने डाल अभी तक रोजर फेडरर और ये तीनों बीस बीस जीत चुके थे ये इक्कीसवा जीत गया नोवाक भी फाइव एट्टी क्वेश्चन हु हैज़ रिसेंटली won द बिग बॉस बाप ये क्वेश्चन क्यों डाल दिया यहाँ पे ठीक है ना तेजस्विनी प्रकाश हु हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंस मैसेंजर पॉप्स इंटेलिजेंस मैसेंजर को लॉन्च किया किसने ये पेटीएम मनी ने रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी ये है चेन्नई सुपरकिंग्स हुन बेंगलुरु एज ए स्टार्टअप कैपिटल पहले बेंगलुरु था ना अब दिल्ली हो गया हुई सिटी हैज बिकम द रेसिपियंट ऑफ क्लाइमेट एक्शन प्लान रेसिपियंट ऑफ क्लाइमेट एक्शन प्लान नासिक हिइ बैंक हैजाई विद टाटा पावर फॉर फाइनेंसिंग सोलर प्रोजेक्ट के लिए टाटा प्रोजेक्ट ने किसके साथ की है एस बी आई के साथ टाटा प्रोजेक्ट ने सोलर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए टाटा पावर ने एस बी आई के साथ टाई अप किया हैज रिसेंटली बिन डिक्लेयर बाई यूएसए इज ए मेजर नॉन नाटो अल आई किसने किया किस को डिक्लेयर किया है यूएसए ने अपना मेजर नॉन नाटो अल आई किसको किया है कतर को कोलंबिया को भी किया है खिजादिया बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पे है रामसर साइट में तो किया है ये है कहाँ पे गुजरात रिसेंटली हु हैज बिकम सेलेक्टेड एज द बेस्ट स्टेट टेबल इन द रिपब्लिक डे दो हज़ार बाईस यूपी हुई कंट्री हैज एंटर द न्यू ईयर न्यू ईयर एज ईयर ऑफ टाइगर ईयर ऑफ टाइगर डिक्लेयर किया फाइव एट्टी नाइन का ये है चाइना ने किया हुई कंट्री हेज़ टॉप्ड एज इंडियाज़ ट्रेड पार्टनर इन दो हज़ार इक्कीस ये टॉप कौन किया यह किया अमेरिका हुज़ रिटर्न द फेमस बुक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा एक फेमस बुक नवदीक सिंह गिल ने लिखा वेर इज़ द लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्डेड इन जनवरी दो हज़ार बीस बाईस लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पर है यह है तेलंगाना इन सब में क्योंकि ये सब ज़्यादा ज़्यादा है फर्स्ट गोल्ड ऑफ ट्वेंटी फोर्थ विंटर ओलंपिक्स 2022 पहला गोल्ड किन्होंने जीता ये जीता थेरेसे जोहान्स ने व्हाट नेम गिवन टू द माउंटेन थ्री टाइम्स बिगर देन हिमालयन जो कि ये मिला है रिसेंटली क्या नाम उसका रखा गया है ठीक है ना मतलब ये पुराने समय में कभी था हिमालय से भी तीन टाइम्स बड़ा था ये फाइव नाइन्टी फोर का सुपर माउंटेन नाम रखा गया

ज वर्ल्ड लार्जेस्ट इग्लू कैफे इग्लू कैफे कहाँ पे ओपन हुआ ये जम्मू एंड कश्मीर में ठीक है दो क्वेश्चन और करते हैं सिक्स हंड्रेड हमें करना है जीवा प्रोग्राम एनिमल फार्मिंग के लिए नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जीवा जीवा प्रोग्राम ये किसने लॉन्च किया नाबार्ड ने हुली चेयर दिट दो हजार बाईस इसको क्यों किन्होंने चेयर किया फ्रांस ने ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का पूरा कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो का जो ये दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल नए नए वाले हो गए जनवरी से अगस्त वाले हो गए तो अगर लास्ट नहीं भी आए तो आप ये दोनों आराम से कर लो ना क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं कुछ आप लोगों तो को बनाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है ना हम सारा कर दे रहे हैं क्योंकि साइंस का हो गया है ऑलमोस्ट Uh, बिहार स्पेशल का कुछ वीडियो हो गया है और मॉडर्न हिस्ट्री एंड सी हिस्ट्री हो गया तो हम जल्दी से जल्दी पॉलिटी इकोनॉमी वगैरह जो बचा हुआ है जो हम कर जल्दी से कर लेते हैं तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू और डिस्क्रिप्शन सेक्शन से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आपको नहीं मिले तो कुछ इस तरह है एन सी ई आर टी सी ई आर टी ये कैप्स में है डॉट जो डॉट नहीं है अंडर स्कोर जोन डॉट अंडर स्कोर जी ओ वी टी ये दोनों स्मॉल में ये है ये एक सिप के आपसे तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच अगर नहीं मिले टेलीग्राम तो आप इस नंबर पर मैसेज करना नाइन फाइव एट टू जीरो सिक्स टू फोर एट फाइव लेकिन टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना मिलते हैं फिर थैंक यू थैंक यू सो मच